अब आप लोगों में से जिसको जो बोलना है बाद में, पहले इन लोगों को अपना पक्ष रख लेने दीजिए। जहां तक हिजाब वाली बात है, जहां तक दरगाह वाली बात है, जहां तक उर्दू वाली बात है, मैं हूं फलक नाज और टुनिशा से मेरा बहन का रिश्ता था, भले ही खून का रिश्ता नहीं था लेकिन एक एहसास था, एक बॉन्ड था जो हमने बहुत अच्छे से शेयर किया है। मैं उससे मिली थी इनके शूट पे, जब हम लोग लद्दाख गए थे मैं पहली बार उससे मिली थी एयरपोर्ट पे, तब से लेके अब तक मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था। उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हूँ, चाहे मैं हूँ या मेरी मदर हूँ। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज़ है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। जब बट आप लोग कहाँ रिलीजन पे अटके हुए हैं, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का सवाल है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जिस दिन फलक उनको उनकी माँ ने, वनीता शर्मा जी, आपकी रिस्पेक्ट में आपको बोलना चाहती हूँ, आपने तो बहुत बदतमीजी की है, लेकिन हम अपनी डिग्निटी, हमें मालूम है कि हमें कहाँ कैसे मेंटेन करनी है। आपने बोला कि फलकनाथ उसको दरगाह पे लेकर गई, तो उस आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती थी, तो आपको ये नहीं पता कि दरगाह पे वो किस दिन गई है, कहाँ पे गई है? आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे उसने कहाँ फोटो अपलोड की है, किस दरगाह पे वो एक्चुअली गई है और कितने बजे गई है, किस डेट में गई है? तो आप प्रूफ भी तो लेकर आइए ना। आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल रही हैं। आपने एक चीज़ बोली कि आपकी बेटी को शिजान ने थप्पड़ मारा, आप में से बच्चे होंगे, किसी के बच्चे हैं आपके, किसी के, सबके होंगे। आपको अगर आपका बच्चा आके बोलता है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है और सेट पे मारा है या मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? आप लोग इंतजार करेंगे? आप लोग सिर्फ फोन पे कॉन्वर्सेशन करेंगे? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हमारे बच्चे को थप्पड़ मार दिया और मैं बैठी हुई हूँ, मैं एज ए माँ होने के नाते बात कर रही हूँ, आप फादर हैं, तो मैं क्या करूँगी? मैं बैठी रहूँगी, बस मैं फोन पे बात कर रही हूँ। मेरे घर पे उनका आना जाना था, मेरे घर पे आती थी, वो मुझे फोन करके कह सकती थी, मेरे घर पे डायरेक्ट आ सकती थी, वो आती थी मेरे घर के ऊपर, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, अच्छे से खाती थी, पीती थी, बात करती थी, रहती थी, सब कुछ था उनका। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, उन्होंने इंतजार क्यों किया? वो मेरे घर पे क्यों नहीं आई? उन्होंने शिजान को थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उन्होंने मुझसे क्यों नहीं कहा? वो इंतजार कर रही थी कि टुनिशा कुछ ऐसा स्टेप उठाए, वो ये चाहती थी। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी इकलौती बच्ची गई है, इकलौती बच्ची, मतलब मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बच्चे हैं, लेकिन किसी की इकलौती बच्ची हो या किसी के तीन बच्चे हो, ये चीज मैटर नहीं करती। माँ बाप के लिए हर बच्चा मैटर करता है। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था, वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे के जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो दे के जा रही है और वो चली गई है। वो ये कैसे कोई माँ कर सकती है? आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी वो, मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफर कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, मेरे घर की वो सबसे छोटी बच्ची थी, वो भले ही 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो
एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी, आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके।